गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं क्वार्नेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्वार्नेट ज्योमेट्री में हम कुछ पहले पढ़ चुके हैं, उसका एक शॉर्ट रिवीजन पहले कर लेते हैं। क्वार्नेट ज्योमेट्री हमने क्या पढ़ा था डॉक्टर, कि ये एक कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, इसको नॉर्मली ओ से लिखते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसका हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मींस क्या है, एक्स एक्सिस के लिए ऊपर जाते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए नीचे जाते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। ठीक, सिमिलरली y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। y एक्सिस से जब राइट में जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, x जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और जब हम लेफ्ट में आते हैं तो y जो है, y एक्सिस से लेफ्ट में आते हैं तो x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हो जाता है। ये हमने पढ़ चुका है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है 2 and 4। ठीक है, अब इसको हमें इस कार्टेशियन सिस्टम में दिखाना है, ये पॉइंट कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो 2 मींस इधर से 2, 1, 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 4 है, तो 4, 1, 2, 3, 4। ये आ गया, जब यहाँ से हम सीधा करते हैं और यहाँ से जाते हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, ये किस तरह से पॉइंट को दिखाते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या देखते हैं, इसमें क्या है कि हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मींस क्या है, कि दो पॉइंट दिया हो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट्स, दो पॉइंट है P, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, और एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। हम चाहते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो मान लिया कि ये एक हमारा पॉइंट P है, ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी हो, उससे हमारे फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक, एक और पॉइंट है, ये है हमारा Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये PQ डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम P से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर आ देते हैं, यहाँ पे ये हमारा E हो गया, और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, इसको F ले लिया, और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, ये हमारा G हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये O है ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस यही x कोऑर्डिनेट होगा P का, P का x कोऑर्डिनेट क्या है x1, ये डिस्टेंस इस x एक्सिस से y एक्सिस से यहाँ तक का f तक का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे q का x कोऑर्डिनेट मींस x2 हो जाएगा। ठीक है, q का x कोऑर्डिनेट x2 हो गया, तो ये डिस्टेंस ef क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये x2 माइनस x1 है, सिमिलरली ये भी x2 माइनस x1 होगा, pg ये जो डिस्टेंस है वो इसी के इक्वल होगा, ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। ठीक, अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये कितना है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y1 यहां से लेके यहां तक, यही है ये gf, तो ये भी y1। ठीक है, और ये q से लेके f तक, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस क्या होगा,
ये Q पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट, ये हो गया Y2। तो इसका क्या हो जाएगा, Q से G, Q कॉम Q तो G, इसमें से इसको माइनस कर देंगे मींस Y2 माइनस Y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। PG ये हो गया हमारा X2 माइनस X1, QG हो गया Y2 माइनस Y1। ठीक है, अब हम देखते हैं ये टेंजेंट बनते हैं जिसमें ये राइट एंगल टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर वाले हैं। इन टेंजेंट PQG, ठीक है, इन टेंजेंट PQG में हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PG स्क्वायर प्लस QG स्क्वायर। ठीक है, तो PG क्या है, PG हमारा आया है X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस QG, QG है ये डिस्टेंस जो आया हमारा Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1, और इसका ये स्क्वायर कर देना है। ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना क्या है, PQ निकालना, ये PQ का स्क्वायर है, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला जो हमें निकालना था, दो पॉइंट P एंड Q है जिसके कोऑर्डिनेट पता हो हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि x2 माइनस x1 का ये स्क्वायर है, यदि हम x1 माइनस x2 कर दें मींस माइनस कॉमन ले दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर मींस क्या है, दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर को ऐड करके उसके अंदर निकाल देते हैं, हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इस फार्मूले से ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है find a point on y axis equidistant from minus 5 to and 9 minus 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक y एक्सिस पे पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का जो y एक्सिस पे पॉइंट है उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, क्या है सर, y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका x एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा, y एक्सिस पे पॉइंट x कोऑर्डिनेट जीरो, तो लेट्स the coordinate of point is 0 and y। ठीक है, since वो y axis पे इसे उसका x coordinate 0 दे दिया और y coordinate को हमने y दे दिया है, अब हम निकालते हैं इन दोनों पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये p दे दिया। ठीक है, a है हमारा minus 5 2, B है 9 और 2, तो हम PA निकालते हैं, P से A की डिस्टेंस, PA क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर निकालते हैं। X2 क्या है हमारा, माइनस 5, माइनस 5 और ये है 0 स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस
वाई का स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली हम पीवी निकालते हैं, पीवी क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा 9 माइनस 0, ठीक है, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों बोल रहा है क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस है, इन दोनों को इक्वल कर दे, ठीक है। तो PA इक्वल टू PV कर देते हैं। PA क्या आया है हमारा, -5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। और ये है 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों को अनरूट है, स्क्वायर करेंगे दोनों का अनरूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो दोनों का अनरूट हट जाएगा। ये -5 माइनस 0 मीन्स -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, o y स्क्वायर माइनस 4 y, ठीक। अब इधर देखते हैं, ये 9 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2, तो माइनस का स्क्वायर भी माइनस हो जाता है, इसे माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 y। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, y स्क्वायर कट गया, ठीक है, 4 से 4 भी काट दिए, ठीक। अब क्या है, ये माइनस 4 y उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या बच गया, 25 माइनस 81 इधर आ गया और ये 4y प्लस 4y, तो ये जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 माइनस 56, 81 में से 25 को माइनस किए 56 हो गया और ये आ गया हमारा 8y। यहाँ से हमारा y क्या आ गया, y आ गया -56/8=7, ठीक। ये हमारा आंसर। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट जो हो गया P.07, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स A, 4, 3 and B, x, 5 आर ऑन द सर्किल विच सेंटर O, 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मींस क्या है, यहाँ दो पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट ए है जो 4 and 3 क्वाड्रेंट है, सेकेंड पॉइंट है B जिसका क्वाड्रेंट है x and 5, और ये दोनों कहाँ है, एक सर्किल पे है, ठीक है। लेट्स, ये एक सर्किल है, ए और बी जो है इस सर्किल पे पॉइंट है, लेट्स ये ए है ये बी है एंड इसका ये सेंटर ओ है, ओ क्या है 2 and 3, बी क्या है x and 5 एंड ए क्या है 4 and 3। तो हमें क्या पता करना है, हमें इस x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि क्या ये हमें ये डिस्टेंस OB एंड OA, OA एंड OB डिस्टेंस जो है हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, और सिंस ये क्या है एक सर्किल के दो पॉइंट्स है, एक सर्किल के दो पॉइंट्स है, इट मींस क्या है OA एंड OB क्या है रेडियस है, रेडियस क्या होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे जिससे हमें x निकल जाएगा, ठीक है। पहले निकालते क्या है OA, OA डिस्टेंस क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या हो गया 4 माइनस 2
फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ओबी निकालते हैं, ओबी क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ओबी। अब क्या है कि दोनों रेडियस है, सिंस OA एंड OB आर रेडियस ऑफ ए सर्किल, ठीक है, तो क्या होंगे रेडियस इक्वल होते हैं, इसलिए OA इक्वल टू OB, ठीक, OA इक्वल टू OB। अब हम लोग OA और OB का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको रख देते हैं, ठीक है। OA क्या है हमारा 4 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, OB क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट अंडर रूट हट जाएगा, बच जाएगा क्या 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कितना है 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, ये एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3 मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 4, देखते हैं कि ये 4 इस 4 से कट गया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर 0 है तो x माइनस 2 क्या होगा अंडरूट लेंगे तो 0 का अंडरूट 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 उधर गया तो 2, हमारा आंसर क्या आ गया आंसर इज x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ था, दो पॉइंट दिया हुआ था जो कि एक सर्किल पे थे, सर्किल का सेंटर दे दिया, इनका क्वाड्रेंट दिया था जिसमें एक क्वाड्रेंट अननोन था, ठीक है, तो हमने क्या निकाला OA निकाला फिर OB निकाला, सिंस दोनों रेडियस हैं दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद x का जो वैल्यू आ गया वो निकल गया, दैट इज आंसर, फाइनल आंसर आवर x = 2, ओके, थैंक यू।